Just kidding. The best way to start the day is with a cup of coffee. Black coffee. Without sugar. गाइज मीट दिस गाय अभय। हम 6 साल के लिए साथ में डांस करते थे बट अभी हमारे वेज अलग हो चुके हैं, उसके वजह से हम कभी कभार ही मिल पाते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अभी मैं डीमार्ट जा रहा हूँ क्योंकि जिम में तो मेरा बहुत दिन से गैप हो रहा है बट एटलीस्ट मैं मेरे डाइट पे पूरा फोकस कर सकूँ। सो आई एम गोना बाय सम स्टफ। ये सब अभय का है, ये हेल्दी स्टफ मेरा है। अभय इधर खड़ा है क्योंकि उसको ये चाहिए। He's shying. ये गिर जाता मेरे हाथ से। अरे नको रे। बादाम है ते। ये मिक्स मस्त। हाँ ये मिक्स मस्त। मिक्स नो मिक्स मस्त। Now we are done with it. थैंक यू। अरे टुकड़े 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 थैंक यू। कल से उनके पास ऑनलाइन पे हो नहीं रहा था पर मैंने इतना ले लिया था, मैंने बिल भी पूरा कर लिया था और जैसे मैं पे करने के लिए गूगल पे ओपन किया वो बोले कि ऑनलाइन नहीं है बट होपफुली हो गया। और ये हम अभी खाएंगे पढ़ना। मम्मी पापा ने विचार लिया था चल ओहो ये पीस आउट। If you understand the difference between needs and wants, the compromise word will convert into basic. Compromise karna is not struggling all the time, right? I'll see you. So let's unbox this. Andar to sab theek hai. Haan theek hai. To sabse pehle bade wale se start karte hain. ये सौरभ के पास है पर मेरे पास नहीं था और मैं सौरभ का यूज़ करता था तो सोचोगे क्या है। पर सौरभ कभी कभी निकल जाता है ऐसा ही सोलो ट्रिप पे तो मुझे कभी भी लग सकता है ना शूट के लिए, इसके वजह से। तो ये है एक गोरिल्ला ट्राइपॉड जो कि मुझे 2 महीने पहले से चाहिए था पर इतना आलसी हो गया था मैं कि ऑर्डर करना ही रह गया। ये मेरा सेकंड गैजेट है मेरे व्लॉगिंग चैनल के लिए। तो फर्स्ट कौन सा है ब्रो? ये फोन रिमोट से चालू करना होता है।
प्यारा सा है, लगा के देखता हूँ। ये ड्रू ड्रू चालू रहता है यार, कितना कंस्ट्रक्शन और बनेगा, उससे अच्छा पेड़ लगाओ, कितना बिल्डिंग बनाते लोग। ये रोज का है यार इन लोग का यार, बिल्डिंग तोड़ के बिल्डिंग बनाते यार। आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो गया और उनका ड्रुंग ड्रुंग अभी भी वैसा ही चालू है। ये हम बाजू में रखते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ये एक सीक्रेट है और ये इतना सीक्रेट है कि इसके ऊपर इसका नाम भी नहीं लिखा है। वाओ नाइस पैकिंग ब्रो। ओहो वाओ क्या पैकिंग किया है। और ये सच में एक सीक्रेट है। ये सौरभ के पास भी है तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था तो मेरे को कंसेप्ट पता है, पर मुझे पूरा डिटेलिंग में पता करना था इसलिए मैंने ऑर्डर कर दिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ये साइड में रखते हैं। ये जो चीज है क्या बताओ, आज ऐसा लग रहा है कि मैंने आज सोना ऑर्डर किया है। ये है एक भगवद गीता एज इट इज। ये मैंने मराठी में ऑर्डर की थी क्योंकि सौरभ के पास इंग्लिश है वो दिखा था। वो ऑर्डर करते हैं अपन तो कुछ लोग रिव्यू देते हैं ना फोटोज डाल के, तो सेम पेज का डाला था, एक ने इंग्लिश में डाला था एक ने मराठी में डाला था। तो मैंने इंग्लिश में पढ़ा, फिर बाद में वही पेज मैंने मराठी में पढ़ा। जब मैंने मराठी में पढ़ा तो वो मेरे को एकदम से हिट हो गया तो मैंने मराठी में ऑर्डर कर दिया। ठीक, मैं ये ऑर्डर करने वाला था इसके ये पोस्टर की वजह से। मेरी एक फ्रेंड है अनगा, उसने मुझे सजेस्ट किया था 2 years ago। काश मैं तभी करता ऑर्डर, पर अभी मैंने किया है तो ये एकदम शांति से पढ़ूंगा पहाड़ों में जाके। मेरे लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम बुक्स ऑर्डर किए तो सोचो मैं कौन से वाइब में होऊंगा। और इन दोनों के अराउंड ना एक वाइब्रेशन सी फील हो रही है मेरे को। दिस बुक इज क्रेजी, नो वन विल सजेस्ट यू टू टेक दिस बुक। हां, सीक्रेट्स आर ऑलवेज सीक्रेट्स। जस्ट सोचो कि इसका नाम सीक्रेट क्यों है। दैट्स द सीक्रेट। मैं एक साल पहले, मुझे कोई शौक नहीं था बुक्स वगैरह पढ़ने का, पर पता नहीं लास्ट 3-4 months से एक ऐसी वाइब बनी है हम दोनों में कि हम बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए और हम घूम रहे हैं, हम बुक्स पढ़ रहे हैं। मैंने अभी तक कोई व्लॉग नहीं बनाया कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, पर हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और जीते हम लोग। कैमरा ऑफ रहता है तुम्हें, मतलब खूब भरून आ गया।